मैं मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं इस वक्त पल पल मीडिया। आज की वीडियो में एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। दो दिन में पुलिस ने 46 ठग को गिरफ्तार किया है, 79 सिम और 66 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस ने डीग जिले के विभिन्न थाना इलाकों से दो दिन में 46 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 79 सिम और 66 मोबाइल बरामद किए हैं। रुपये के लेन देन में काम लिए जाने वाले 13 ATM कार्ड, एक स्वाइप मशीन, दो चेकबुक और 1.54 लाख रुपए नकद, 3 जीप, एक पिकअप, 3 बाइक बरामद की हैं। अभियुक्तों से दो नाबालिग भी हैं, जिनमें से एक महिलाओं को गर्भवती कराने के ठगी करता था। एक ने कार्रवाई में पुलिस पर फायरिंग भी की थी। पुलिस महारक्षी राहुल IG राहुल प्रकाश के बताया कि ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत पुलिस थाना कामा, जुरेरा, गोपालगढ़, सीकरी, खो, DST, डीग और रेंज स्पेशल टीम की कार्रवाई जारी रही है, जिसमें बोलखेड़ा साबू फकीर शाकिर मोहम्मद उर्फ शाकिर फकीर सबलाना, शौकीन मेव सोहिब उर्फ कल्लू मेव चुलेरा, गफ्फार मेव तालीम मेव सद्दाम मेव निवासी मूसेपुर, शकील मेव राहुल मेव निवासी जुरहरी, असलम उर्फ जाहिद मेव निवासी खेड़ली नानू, जुनेद मेव निवासी भयाड़ी, सरफराज मेव सहरून मेव निवासी गोलकी, अब्बास मेव रायपुर सुकेती, परवेज मेव निवासी बक्सा का, खालिद मेव और गढ़ी मेवात आस मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। इनके अलावा दो नाबालिग अभियुक्तों भी हैं। कार्रवाई के दौरान शाकिर मोहम्मद ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की थी। जवाबी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अपने आपे को बचाव के लिए कुछ फायरिंग की है और पुलिस प्रशासन ने उनके कब्जे से एक कट्टा और कारतूस भी बरामद किए हैं। आरोपियों से इनके गैंग के अन्य सदस्यों और ठगी के संबंध में पूछताछ की जा रही है। तो दोस्तों, पुलिस प्रशासन लगातार ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत लगातार साइबर ठगों को पकड़ रही है, उनको सलाखों के पीछे डालने का काम कर रही है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक पल पल मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें।